महाराणा जी जो फिल्म देख के आए उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें नजर आई है, इसी के ऊपर ये सारा पद्मा जी का विरोध चल रहा है। इसीलिए जो इन्होंने देखा है कि हो सकता है कि इसके अंदर जो इतिहास को तोड़ मरोड़ के बताया गया है ये एक सामाजिक और समाज को ठेस पहुँचाने वाला है, इसी पे वो विरोध कर रहे हैं। तो हम भी इनके साथ विरोध के अंदर खड़े हैं कि हमारा जो भाईचारा और एकता है, जो मेवाड़ की संस्कृति आज हर जगह पे एक फेमस है कि एक मेवाड़ ऐसा है जो वहाँ पे भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस तरीके से हम एक साथ रहते हैं, और हर जगह चाहे वो जंग का मैदान है, चाहे वो हकीम का सूरी है, महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा लगा के लड़े थे, तो इनको एक हथियार दिया और सेनापति का पद दिया था। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जहाँ विकास हो रहा है इस चीज़ को लेके आपस में कोई भाईचारे में फर्क आए और एक दूसरे को गलत नज़र से इतिहास को तोड़ मड़ के बता के हमें लड़ाने की कोशिश करें, इसके ऊपर हमें बिल्कुल भी गवारा नहीं है। इंशाल्लाह ताला जब भी देश की तरक्की, मुल्क के लिए तरक्की जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी, हम दोनों समाज जितने भी हैं हम सब मिल के इस देश को तरक्की के लिए आगे बढ़ाएंगे, और जहाँ विरोध होता है तो हम सब एक साथ खड़े रह के उसका विरोध करेंगे। मेवाड़ के इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, मेवाड़ के इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया संजय लीला भंसाली, उसके राजनीति इसके फिल्मकार या पर्सनल फायदे के लिए इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया जो गलत है, और इससे हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान होता है जो नहीं होना चाहिए। और मेवाड़ की एक संपत्ति रही है हिंदू मुस्लिम एकता की, चाहे राणा महाराणा प्रताप हो, चाहे हकीम का सूरी हो, इनका एक इतिहास रहा और इस इतिहास को तोड़ मरोड़ के उन्होंने पेश किया जो गलत है, और इससे मुस्लिम धार्मिक भावना को भी ठेस पहुँचती है। और होना यही चाहिए कि किसी की धार्मिक भावना के साथ ना खेला जाए, एक मनोरंजन के लिए किसी की धार्मिक भावना के साथ ना खेला जाए, जबकि आज राजपूत समाज पे कल मुस्लिम समाज पे होगा, तो उसका इस हिसाब से उसका पूरा पुरजोर मुजवत करती है मुस्लिम समाज, और मुस्लिम समाज इसका पुरजोर बिल्कुल विरोध करती है।